खबर रायपुर से, जहां पर रामकृष्ण केयर अस्पताल में क्रिटिकॉन 2019 का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया गया। एक निजी होटल में 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में आखिरी दिन अस्पताल के मैनेजिंग और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे ने सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि आज के नाजुक दौर में सबसे सही इलाज समय पर देना और मरीजों की बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना बहुत जरूरी है, जिससे कि मरीज को स्वस्थ और अच्छा जीवन जीने में आसानी हो। यह सम्मेलन इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है। क्रिटिकॉन 2019 के आयोजन में डॉक्टर विशाल कुमार, डॉक्टर इमरान गुफर, डॉक्टर अब्बास की भूमिका अहम रही। आयोजन में भारत के हर जोन से डॉक्टरों को बुलाया गया था, जिन्होंने सभी को अपना अनुभव बताया। चाहते थे कि इस लेवल की सर्जरी दुनिया में बहुत कम होती है, तो छत्तीसगढ़ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में ये हमको अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें, हमारे अपने स्किल्स शेयर करें, और हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझेंगे अगर हम इनके साथ आगे हम अपनी ट्रेनिंग्स कर पाए और अपने लोगों को भी यहाँ सिखा पाए कि इन्होंने जैसे बोला कि एक पूरे सिस्टम को अपग्रेड करके ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हम भी ट्रीट कर पाए जैसे इन्होंने हमारे डॉक्टर दवे को किया। थोरैसिक सर्जन, द चीफ थोरैसिक सर्जरी एट बेथ इज़राएल डीकनेस मेडिकल सेंटर इन बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट्स बीन अ प्रिविलेज टू कम हियर एंड विजिट एंड टॉक अबाउट a disease that I'm quite interested in. So tracheal bronchomalacia is the disease where the airway collapses with expiration. So normally the airway is a tube. That's how the air moves in and out of our lungs. मैं बेथ इजराइल हॉस्पिटल के प्रमुख सर्जन है, जो छातियों का ऑपरेशन है उसके विंग के हेड हैं। और इस तरह की जो बीमारी होती है जिसे ट्रेकियो ब्रोंको मलेशिया कहा जाता है, ये डायग्नोस करना आसान नहीं होता और इसका ऑपरेशन भी काफ़ी कठिन होता है, पूरे टीम का काम है। आज तक डॉक्टर सिद्धू ने करीब 250 ऑपरेशन अपने अस्पताल में किए हैं और 15 ऑपरेशन दूसरे अस्पतालों में किए हैं। कसरावत के आसपास